सो दोस्तों, सुबह के 5:30 बजे हैं। मैं श्रीनगर में हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि बुड्ढा होगा तेरा बाप, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें हमने ऐसे ही लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, 50 साल की उम्र हो गए इनको, तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम इनकरेज करते हैं और इनकरेज करके यंग जनरेशन को ये बताना चाहते कि यू मस्ट लिव हेल्दी एंड बी वेरी पॉजिटिव। आप सबको पता ही है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो लेफ्ट लेग में, आज भी मेरे ये लेग में 3 नीचे रॉड्स हैं। ओके, अभी भी है, और ये राइट शोल्डर के 4 लिगामेंट्स में 2 लिगामेंट में टियर है, और नीचे का जो कवर होता है, ये कवर को भी इश्यू हुआ है। उसके अलावा आई हैव ब्लड प्रेशर इश्यूज, क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ था तो लीवर इश्यूज और ब्लड प्रेशर इश्यूज भी हुए हैं। तो सबको मात करते हुए मैं अपने रनिंग पे वापस फोकस शुरू किया है। अभी शुरू हो रहा है, अभी भी चलने के लिए इश्यूज होते हैं, बट कोशिश जारी है। तो आज का मेरा डल लेक पे जो मेरी ख्वाहिश थी श्रीनगर में रनिंग करने की, उसको अपनी तरफ से जितना हो सके वो कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद। मैं मेरे डल लेक के होटल के यहाँ से, होटल मैंने डल लेक के बाजू से लिया है, और उसमें से मैं अभी रनिंग शुरू कर रहा हूँ। ये वुडन ब्रिज है, आप देख सकते हैं। सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और मैंने अपना रनिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पैर के अंदर रॉड्स होने की वजह से मैं फास्ट नहीं बट स्लो स्पेस में रनिंग की कोशिश करता हूँ। ये मेरा जनरली मुंबई में रेगुलर रूटीन होता है, सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा। तो दोस्तों, ये शिकारा और ये डल लेक शुरू हो चुका है, और जो मेरी ख्वाहिश थी तो आप सब देख रहे हो। बाहर काफ़ी ठंड थी तो मिलिट्री के लोगों ने मुझे पूछा, क्या भाई साहब आपको ठंड नहीं लग रही? तो मैंने उन्हें कहा, भैया ठंड क्या है, ठंड अपने एक अंदर की सिर्फ भावना है बस। जीवन में चलते चलना चाहिए, यही एक रीत है, प्यार की यही तो जीत है। वाह, किसने क्या खूब कहा है, जिंदगी यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बस भाई, हमें जीत ही जीत चाहिए, अगर हारते हैं तो फिर से उठ के खड़ा रहना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हमें फिर से जीतना है। सुबह के आप गोल्डन माउंटेन्स आप अगर देख सकते हैं, पीक्स डल लेक से श्रीनगर में, वो क्लाउड्स नहीं है, दे आर नॉट द क्लाउड्स जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले ये क्लाउड्स नहीं है, ये स्नो पीक्स है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल स्नो पिक्स, चारों तरफ से स्नो पिक्स, वो देखिए स्नो पिक्स, और सूरज के उस पे किरण गिरते हुए, सूरज की किरण है जो गिर रहे हैं। ये डल लेक है, और डल लेक से आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल श्रीनगर। क्या बात है साहब, मेरी तो 2 डिग्री से 20 डिग्री पे आ गया मैं अभी, 2 डिग्री तो कहीं के चली गई, कहाँ गई भाई 2 डिग्री, 2 डिग्री तो गायब हो गई। सुपरमैन, बैटमैन,
ओके, ये लोगों के पास में सुपर शक्तियाँ होती है, लेकिन मैं और हम सब जो कॉमन मैन हैं उनके पास कोई सुपर शक्तियाँ नहीं होती है। उनके पास में एक ही शक्ति होती है, वो सेल्फ बिलीफ, बस सेल्फ बिलीफ। और उसमें मोटिवेशन को घुला दो, सेल्फ बिलीफ को मोटिवेशन में घुला दो, तो ऑटोमेटिकली कोई कुछ करने की चाह होती है और उस चाह से ये कॉमन मैन के अंदर जो शक्ति आती है वही काफ़ी है सारे सुपरमैन बैटमैन को ख़त्म करने के लिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर प्रपोजिंग कि भाई लोग, मेरे जैसा 54 इयर्स का आदमी, ओके, जिसके इतने सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक ही है मेरे पास में जड़ी बूटी का मंत्र, सेल्फ बिलीफ और लोगों का मोटिवेशन कि कुछ करने की चाह, बस। और इसे ऐसे सुंदर ब्यूटीफुल श्रीनगर तो मुझे और उत्साहित कर देता है और कहता है कि और करो और करो और कुछ करके दिखाओ। तो मेरा यंग जनरेशन के लिए यही मैसेज है कि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं तो भाई बाहर भी, जो चाहते हैं, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन एक कुछ करने की राह चाह है, बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो आप को मेरी एक सजेशन या रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें, ओके, आपके वीडियोस। मैं अपने चैनल के थ्रू उन वीडियोस को पब्लिश करूँगा और लोगों को यही बताऊँगा कि लोग ये कर सकते हैं, तो ये एक यंग जनरेशन को मैसेज जाएगा और लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। जो घर में बैठे हुए हैं उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा और वो अपने उस बिस्तर से उठ के बाहर आए, सुबह का फ्रेश एयर, विटामिन डी, इसका आनंद और लुफ्त उठाए और अपनी जो ज़िंदगी है उसे खुशी पाए, हैप्पीनेस पाए और हेल्दी रहे। कश्मीरी लोग जनरली एक अपने ब्रेकफास्ट में, हम जैसे आमलेट खाते, उपमा हुआ, वैसे वो नहीं खाते, वो एक कावा लेते हैं और ये कश्मीरी रोटी है। कश्मीरी रोटी थोड़ी नमकीन होती है और इसको खाते हैं, नहीं तो ये नहीं खाया तो उनका ब्रेकफास्ट नहीं, उनका सर दुखता है, ऐसा कहते हैं कि उनका सर दुखने लगता है। तो ये मस्ट है, तो कावा एक उसमें एक जोश आ जाता है जिससे आपको कोई ठंडी नहीं लगती है। इसमें सारे हर्ब्स होते हैं और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वो इसमें मैंने कावा लिया हुआ है, थोड़ा मीठा होता है, जिसको मीठा चाहिए तो वो मीठा ले सकता है। तो सारे हर्ब्स को बॉईल करके इसको बनाते हैं और एक काढ़े, जैसे हम महाराष्ट्र में काढ़ा बोलते हैं उसको, तो एक काढ़ा है, आप देख सकते हैं इसको, ये कलर का होता है, ये सारे हर्ब्स है उसमें, ओके। और उसका उबाल के जो पानी होता है और ये कश्मीरी रोटी, तो ये ऐसा खाया जाता है। थोड़ी नमकीन सी है, पेट भर देती है। कावा में सैफ्रॉन है, सारे हर्ब्स है, बहुत सुंदर, कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है, मजा है। तो ये एक उनका सुबह का ब्रेकफास्ट है जिससे पेट भरा रहता है और दिन भर वो खुश और ताकतवर महसूस करते हैं और फ्रेश महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये रही मेरी डल लेक पे रनिंग की ख्वाहिश। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।